बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के फूहड़ बयान के खिलाफ रीगल चौराहे पर मौन धरना दिया। सिंधिया ने कमलनाथ के बयान की आलोचना की और कहा, इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। मंत्री मरती देवी को आइटम कहने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैकफुट पर हैं। हर तरफ से कमलनाथ की आलोचना हो रही है। ऐसे में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के बयान की कड़ी निंदा की और कहा, यह बयान उनकी मानसिकता उजागर करता है। कमलनाथ के खिलाफ सिंधिया ने रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। कमलनाथ के विवादित बयान पर भाजपा आक्रामक मुद्रा में है और कांग्रेस मुश्किल में है। इमरती देवी सिंधिया कैंप की मंत्री हैं, इसलिए सिंधिया ने भी कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंधिया ने कहा, ये बयान महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। एक नेता ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री है, वो एक दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं। कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का, ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।